मार्केट के अंदर आज जो संकेत है ना वो आपको भले एसजेक्स निफ्टी में 3 अंकों की बढ़त के दिख रही हो लेकिन मार्केट का रिदम इस समय ये कह रहा है कि एक बार थोड़ा सा सोचें और समझें कि अभी क्या किया जाए। हमने एक लाइन भी लिखी थी ग्राफिक्स में आपके लिए कि ताज़ा खरीदारी ना करें बल्कि जो है उसको संभालें। अभी तो सिर्फ संभालना ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि जिस तरह से हम कह सकते हैं ना कि मार्केट का मालूम नहीं है, अभी कोई भी जजमेंट लेना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। चलिए कुछ एक कंपनीज तो हैं जिनके आज भी नंबर्स आए हैं और नंबर्स कुछ ख़राब भी रहे, जिसमें ONGC एक है। उसका मुनाफा जो है वो घट गया, 4340 करोड़ हो गया, पहले 4350 करोड़ के ऊपर का था। कंपनी ने हालांकि 80 पैसे का डिविडेंड भी दिया है क्योंकि इन्वेस्टर्स रखते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और आए अगर आप देखें तो कंपनी की हालांकि उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है। ONGC के नंबर्स आपने देखे हैं जय, क्या नंबर्स के बाद कुछ ट्रेड करने की रिकमेंडेशन देंगे? ये F&O का प्लेयर भी है, जरा F&O का डाटा भी जोड़िएगा कि कितना खराब है या कितना ठीक है। डेफिनेटली यू नो डिम्पी सी, ओवरऑल ONGC का ट्रेंड कुछ खास पॉजिटिव रहा नहीं, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म अगर हम देखें तो। ओवरऑल ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता आया है और जहाँ तक मैं F&O का डेटा देख रहा हूँ तो कुछ खास लॉन्ग बिल्डअप भी देखने ये स्टॉक में मिला नहीं है। ऑन दी अपसाइड में ये देख रहा हूँ कि क्लियरली 190 एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है ये स्टॉक के लिए, और जब तक 190 के ऊपर एक कन्विंसिंग क्लोज हमें देखने नहीं मिलता ना डिम्पी, तब तक आई थिंक ओवरऑल व्यू साइडवेज मेरा रहेगा ONGC पर। अगर 190 के लेवल्स निकलते तो फिर से एक क्लियर अप ट्रेंड देखने मिलेगा जो पहले हमें देखने मिले था, बिकॉज वो अप ट्रेंड के बाद काफ़ी करेक्शन एंड देन कंसोलिडेशन देखने मिला है। तो जब तक 190 के लेवल नहीं निकलते एक मोमेंटम वाला अप ट्रेंड देखने नहीं मिलेगा जी। इनफैक्ट ONGC की बात हुई तो एक बार HPCL पर भी कमेंट ले लेते हैं क्योंकि अर्निंग्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग स्पर्ट के साथ ही क्लोज हुआ था 11.5% के मजबूती के साथ। आज BPCL के नंबर्स आने हैं लेकिन नंबर्स से पहले HPCL के अर्निंग्स का इम्पैक्ट वहां भी हमने देखा था क्योंकि ये स्टॉक भी चला था और 3.25% बढ़कर बंद हुआ था। प्रशांत, ये HPCL और BPCL पर क्या कर रहे हैं अभी आप? दीपाली देखिए, जैसे अभी आपने जैसे पूछा ONGC एक अपस्ट्रीम कंपनी है लेकिन HPCL और BPCL जो डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनीज हैं उसके ऊपर हमारा व्यू पॉजिटिव है। और उसका रीज़न ये है कि तेल के भाव में अब लगातार मंदी का दौर देख रहे हैं और $55 के ऊपर हमें लगता नहीं कि तेल के भाव जाएंगे, और जो पिछले कुछ दिनों में तेल में गिरावट आई है उसके रहते हुए जो अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज हैं यानी कि ONGC उनको उनके लिए नेगेटिव है, और जो डाउनस्ट्रीम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं HPCL BPCL इन दोनों के ऊपर हमारा पॉजिटिव व्यू रहेगा। HPCL ने फ्राइडे को क्लोजिंग दी कोई 567 के भाव पे, हमें लगता है कि बहुत जल्दी वी वुड बी सीइंग लेवल्स क्लोजर टू 600 रुपीस HPCL के अंदर। ठीक है गुरांग, वैसे मैं भी ये भी जानता हूँ आप टेलीकॉम पे कोई राय नहीं देंगे किसी भी शेयर्स की बाय करने के लिए, दूर करने ही राय होगी, लेकिन एक आइडिया पे ना खबर आई है। असल में खबर थोड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि जो कैनेडियन कंपनी है ब्रुकफील्ड, इसके अंदर कुछ इनके टावर बिजनेस को खरीद सकती है। ये 11,000 टावर इनके पास है और जून में ये डील पूरी हो सकती है। हालांकि वोडाफोन को भी बाय करना चाहते हैं, उसके टावर बिजनेस को भी है। ये खबर इसलिए इंटरेस्टिंग कह रहा हूँ क्योंकि इन प्राइसिंग पे शायद ये खबर कहीं एडजस्टमेंट नहीं दिखती है। आपको लगता है कि हो गई है या फिर नहीं हुई है? वेल पहली बात तो हर उछाल पर बेचने की राय है किसी भी कंपनी जो टेलीकॉम सेल्युलर सर्विस प्रोवाइडर से इतर से जुड़ी हुई है। दूसरी बात मूल्यांकन को लेकर के असमंजस परिस्थिति है, और आने वाले समय में अगर थोड़ी बहुत और क्लैरिटी आती है कि ये जो भी टावर कारोबार है जिसको लेकर के क्या मूल्यांकन में बेचना चाहते हैं, चाहे वो कैनेडियन कंपनी को बेचे या फिर वोडाफोन को बेचे, मूल्यांकन आकर्षित होना चाहिए। और उसको लेकर के भी अगर कोई भी ऊपर के तरफ के दायरे देखते हैं तो उस उछाल में भी बेचने की राय होगी जी। गौरांग, रिलायंस कम्युनिकेशन को देख के लगता तो नहीं कि ये उछाल दिखाएगा, एक महीने का ट्रेंड तो एटलीस्ट यही कह रहा है, नंबर्स ही बहुत खराब आए हैं, ये इन स्तरों पर बेचकर निकल आए क्या बाहर? नहीं, अगर आप ये समझते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन में आपको उछाल देखने मिले तो वो मेरे ख्याल से आपकी नासमझी है। और जिस तरीके से पूरे ADAG ग्रुप के कंपनियों में प्रदर्शन रहा है ऐसी उम्मीद रखना ही मेरे ख्याल से समझदारी की बात नहीं होगी। गौरांग, अभी आपने एक लिस्ट बताई थी हमको फार्मा कंपनीज की, उसमें एक अरविंदो फार्मा के नंबर्स भी आने वाले हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगा और स्पेशली अरविंदो के बारे में बातचीत करूंगा, लेकिन पहले संदीप से ना नंबर समझ लेते हैं।
इसके अलावा कोल इंडिया के भी नंबर्स हैं, लेकिन संदीप पहले हम लोग ऑरो फार्मा के नंबर्स बताइए, ये नंबर्स कैसे रहने वाले हैं? देखिए हल्की पॉजिटिविटी नंबर्स में देखने को मिल सकती है, 6% तक का जो अपमूव है वो सेल्स, एबिटडा और साथ ही साथ मुनाफे में देखने को मिल सकता है। मैं आपको कारण बताता हूँ किस वजह से जो उछाल है वो देखने को मिलेगा। यूएस की जो बिक्री है उसमें करीब 9% के आसपास की बढ़त आएगी, ऐसा ज़्यादातर एनालिस्ट मान के चल रहे हैं, क्योंकि कुछ की अप्रूवल्स थे जो कि इनको मिले थे उसका इम्पैक्ट इस बार यूएस की बिक्री में देखने को मिलेगा। फॉर्मुलेशन कारोबार की जहाँ तक बात है वो करीब 27% के आसपास की ग्रोथ दिखाएगा, और फॉर्मुलेशन कारोबार अगर आप देखें तो इनकी कुल कारोबार में करीब 48% के आसपास का जो कंट्रीब्यूशन है वो दिखाता है। वैसे भी अगर आप यूएस को छोड़ दें तो यूरोप और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की अगर आप बात करें इस कारोबार में भी बढ़त आएगी, और ज़्यादातर एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि शायद 11-19% के आसपास की बढ़त आएगी, तो वो इनके जो मार्जिन है उसको भी कहीं ना कहीं एड करता हुआ दिखेगा, जिस वजह से हल्के जो मार्जिन है उसमें बढ़त आएगी। 23.5% के मार्जिन थे वो बढ़कर 23.7% इस बार देखने को मिल सकते हैं। दो मेन फैक्टर्स हैं निम्पी जिस पर आपको ध्यान रखना होगा इस तिमाही में, अगर आप देखिए एक तो रुपया मजबूत हुआ था उसका कितना इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जिस वजह से शायद जो मार्जिन में ज़्यादा बढ़त है वो कहीं कहीं कटेल होते हुए दिखेगी, और दूसरी बात यूएस में जो प्राइसिंग प्रेशर है जो हमने सन फार्मा के केस में भी देखा उसका कितना इंपैक्ट इस बार नंबर्स में देखने को मिलता है। यही कारण है कि काफी कम जो बढ़त का अनुमान है वो जाते हैं एनालिस्ट लेके चल रहे हैं, लेकिन 5-6% के आसपास की बढ़त सेल्स फ्रंट पे, अबिडा के फ्रंट पे और प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ईयू कारोबार है वहां से काफी अच्छे नंबर्स की उम्मीद जाते हैं एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। कोल इंडिया के नंबर्स की जहाँ तक बात है तो जो सेल्स फ्रंट पे अगर आप देखें टोटल इनकम जो है वो करीब 5.25% के आसपास बढ़ेगी, क्योंकि एक तो इनके जो ई ऑक्शन वॉल्यूम्स हैं उसमें तेज बढ़त आएगी, करीब 60% के आसपास की बढ़त वहाँ आएगी, और उसके जो रिलेशंस हैं उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइजेस जिस तरह से कोयले के बढ़े हैं उस वजह से ई ऑक्शन के जो प्राइजेस हैं वो भी ऊपर बढ़े, और इनका जो हाई ग्रेड कोयला है उसकी मांग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। तो कुल मिला के 2-3 फैक्टर्स हैं जिस वजह से इनकी जो आय है उसमें करीब 5-5% के आसपास की बढ़त आएगी, लेकिन इसके बावजूद भी इनका जो बेड्डा है उसमें गिरावट आएगी, मार्जिन करीब 4-4.5% टूटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस बार इनके जो वेतन खर्च है उसके ऊपर जो प्रोविजनिंग है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखेगी, जिस वजह से इनका जो पूरा जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ क्षमता विस्तार पर बड़ा खर्च कंपनी कर रही है तो कैश में कमी आ रही है तो उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और बड़ा डिविडेंड डोल आउट किया था इस कंपनी ने जिस वजह से कैश तो कम हो गई, उसके साथ साथ जो अदर इनकम है वो भी कम होती हुई दिखेगी, जिस वजह से ओवरऑल देखा जाए मार्जिन तो कम होंगे लेकिन जिस तरह से अन्य आय कम होगी उसका भी इंपैक्ट मुनाफे में देखने को मिलेगा, और मुनाफा करीब 14% घटकर 3643 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। तो और बिंदु हो सकता है कि थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखाए, लेकिन कोल इंडिया के नंबर्स अगर आप देखें तो हो सकता है मुनाफे के फ्रंट पे और मार्जिन के फ्रंट पे डिसअपॉइंट करें। ठीक है, हालांकि आप कोल इंडिया के भी नंबर संदीप ने बता दिए, लेकिन पहले मेरा जो इंटरेस्ट ज़्यादा है वो ऑरो फार्मा पे ही है। गौरांग, आपकी जो लिस्ट है ना उसमें ऑरो फार्मा भी है, अभी कितना मोमेंटम दिखता है आपको? ये शेयर क्या है, एक बॉटम बना चुका है? मेरे को थोड़ा प्राइसिंग के हिसाब से मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टर्स ना फार्मा में कॉल तो ढूंढ रहे हैं, ये तो फिक्स है। उसमें अगर आप मेरे से बोले, मैं भी खुद कॉल ढूंढता हूँ कि फार्मा में एक कॉल ऐसी मिल जाए जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँ। ऑरो फार्मा मेरा पसंद हो सकता है, मेरा डेस्टिनेशन हो सकता है नंबर्स के बेसिस पर भी? वेल डिप्पी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को और निवेशकों को मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अगर आप आईटी और फार्मा ये दो क्षेत्र चुनते हैं जो कि आज के तारीख में सबसे कम पसंदीदा क्षेत्र है, तो आपके निवेश की जो समय सीमा है वो करीबन 16 महीने 18 महीने या फिर उससे अधिक होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति और उलझनों से जूझ रहा है ये दोनों क्षेत्र, बहुत जल्द ये सब दूर होने की संभावना कम है, पहली बात। दूसरी बात, जो प्राइस करेक्शन टाइम करेक्शन हमने देखा है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी आकर्षक है, उसी लिहाज से मैंने आईटी क्षेत्र पर कुछ 6-7 कंपनियों के नाम सुझाव किए हैं। अरबिंदो फार्मा नतीजों के आधार पर, जैसे अभी संदीप जी भी जिक्र कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, लेकिन इस परिवर्तन को बैलेंस शीट के ऊपर, तिमाही नतीजों के ऊपर एक बहुत ही सकारात्मक सा रुझान लाने के लिए थोड़ा लंबा समय लगेगा। 530-535 के आसपास आपके नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित हो जाते हैं। ठीक है। तो अरबिंदो फार्मा पर आपने गौरांग का व्यू सुना, लेकिन एक और स्टॉक है जो काफी मजबूत था फ्राइडे को, वो था रेमंड का। आज खबर भी है और पॉजिटिव खबर है। खबर ये है कि 350 करोड़ के कैपेक्स की योजना है कंपनी की, और FY18 में रिटेल कारोबार की क्षमता बढ़ाने के बारे में ये प्लानिंग कर रहे हैं। 6.5% ऑलरेडी ये चला भी था, 721 पर बंद हुआ था। ये क्या करें जो आज रेमंड में होल्ड रखे लॉन्ग पोजीशंस, किसी ने अगर इनिशिएट की हुई हो, अगर हाँ तो टारगेट्स क्या हैं आपके? वेल दीपाली, डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, बिकॉज जो रिकवरी है स्टॉक में लास्ट 2 दिनों में देखने मिली है,
दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि अभी ये ट्रेंड शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव हो चुका है, उसकी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर अभी क्लोज दिया ये स्टॉक ने, तो आई थिंक फिर से उसके प्रीवियस हाइज के तरफ यू नो इट विल इंच टूवर्ड्स दिस प्रीवियस हाइज एंड दैट कम्स टू अराउंड 845-850, तो लगभग ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ऑन द लोअर साइड में ये कहूँगा 675 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, तो जब तक वो ब्रेक नहीं करता यू नो रेमन में टारगेट कर सकते हैं अराउंड 850 तक के टारगेट लेवल्स। ठीक है मिस्टर बंसल, मेरे पास ना काफ़ी सारे शेयर्स हैं जिनके नंबर्स आए हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन एक ना मेरे को ट्रेडिंग कॉल दीजिए इस बीच, आप कोई ऐसी कॉल जो पोजिशनल कॉल जो अभी मैं प्लस कर सकता हूँ, मैं एक्चुअली उसकी भी वेट कर रहा हूँ, कोई एक ऐसी कॉल। डिम्बी देखिए ट्रेडिंग कॉल के लिए जो कि 3 से 6 महीने के व्यू के लिए है, हमारी कॉल है साउथ इंडियन बैंक के ऊपर। साउथ इंडियन बैंक एक बहुत ही अच्छा बैंक है जिसके अंदर पहले थोड़ा सा कॉर्पोरेट लेंडिंग को लेके इशू था, लेकिन की तरफ जा रहा है, तो हमें लगता है कि आज की तारीख के अंदर साउथ इंडियन बैंक एक बहुत अच्छा मूव दे सकता है अगले 3-4 हफ्ते में और 3 से 6 महीने के लिए। 27 रुपए का इसका भाव था फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुआ, तो करीबन कोई 32-33 रुपए के ऊपर आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साउथ इंडियन बैंक के अंदर अगर आप लॉन्ग होके ट्रेड करेंगे तो। ठीक है 32-33 का भाव मिल जाना चाहिए इसी कैटेगरी यानी कि 20 से 30 रुपए के बीच में। एक मंजलाट शेयर भी गिरता है, इसके भी नंबर्स आ गए हैं और जो घाटा है ना वो घटा है, ये पहले करीब 400 करोड़ का घाटा हुआ करता था, अभी आधा हो गया, ये करीब 200 करोड़ पौने 200 करोड़ का इन्होंने घाटा इस बार दर्ज किया है, शेयर अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहा है। मिस्टर बंसल आप ही बताइए क्या पुंजलाड को भी रख सकते हैं? देखिए डिम्पी पुंजलाइट को अगर हम देखते हैं तो इनको थोड़ा बहुत डिफेंस सेक्टर के अंदर कुछ ऑर्डर्स मिलने की संभावना है, बट ओवरऑल बहुत ज्यादा तेजी का रुझान नहीं लग रहा, तो हम लोग रिकमेंड करेंगे कि अगर किसी को इंफ्रा सेक्टर के अंदर ही जाना है तो एलएनटी एक बहुत अच्छा पिक रहेगा पुंजलॉयड के बजाय में। ठीक है एलएनटी बेटर पिक है और एलएनटी के अर्निंग्स भी आने उस पर आप ध्यान दें। अर्निंग्स के लिहाज से कुछ और स्टॉक्स हम कॉमेंट्स लेंगे, लेकिन फटाफट से ये जान लेते हैं कि आज की टॉप ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं। पूजा हमारे साथ मौजूद है, बताइए पूजा कौन से शेयर्स हैं? जी सारे कॉल्स में खरीदारी की रहा है, बैंकिंग स्टॉक्स पर आज फोकस देखने को मिल रहा है, खास और अशोक लेलैंड ये भी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर जानकार आज बुलिश दिखाई दे रहे हैं। इन्वेस्टर पॉइंट्स के रिकमेंडेशन से पहले शुरुआत करते हैं, इन्होंने अशोक लेलैंड में खरीदारी करने की राय दी है, 4% की मजबूती स्टॉक में देखने का अनुमान है, 96 तक के लेवल्स आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस लगाइए 90 का। बर्जर पेंट्स इनका अगला बाय कॉल है, 266 के टारगेट के लिए ये बाय रिकमेंडेशन यहाँ पर दे रहे हैं और इंट्राडे में ही 255 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय यहाँ पर होगी। और राजेश एक्सपोर्ट्स इनका अगला बाय कॉल है, 670 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह और स्टॉप लॉस होगा 640 का। और अगले कॉल में इन्होंने इंडसइंड बैंक में खरीदारी करने की राय दी है और यहाँ पर इंट्राडे में स्टॉक में देखने को मिल सकता है, खरीद कर चलिए 1510 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 1465 का। अब चॉइस ब्रोकिंग के कुछ कॉल्स लेते हैं, उन्होंने आरसीएफ में खरीदारी करने की राय दी है 92 के लेवल्स के लिए और स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं ये 82 का। एसएच केलकर इनका अगला बाय कॉल है, 300 के टारगेट स्टॉक में आज देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाइए 270 का। अगली खरीदारी की राय आ रही है साउथ इंडियन बैंक में, ये स्टॉक शुक्रवार को भी अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी, करीब 5 से 6% की मजबूती थी स्टॉक में, आज भी रैली देखने को मिल सकती है, 30 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 26 का। और जीएमआर इंफ्रा अगला बाय कॉल है, कल नतीजे भी है कंपनी के और उसके पहले तेजी देखने की उम्मीद है, 70.5 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 15.2 का। आखिर में ब्रिजेश सिंह के कुछ व्यूज लेते हैं, अशोक लेलैंड यहां पर नजर रखिए, काफी सारे जानकार यहां खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, अशोक लेलैंड का खरीदारी करने का कॉल है, 95 के लेवल्स के लिए बाय करिए और स्टॉप लॉस होगा 89.5 का। और आखिरी कॉल में टाटा स्टील में खरीदारी करने की राय ये दे रहे हैं, इंट्राडे में ही 2 से 3% की मजबूती स्टॉक में आज देखने की उम्मीद है, स्टॉप लॉस लगाइए 506 का। ठीक है तो टाटा स्टील भी अब वापस आ गया, ये शुक्रवार का एक अच्छा प्ले था जो कि अच्छा चला, इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक कॉमन हो गया, थोड़ी देर पहले मिस्टर बंसल भी बता रहे थे और चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन में भी 30 का टारगेट चंबल पे हमको साउथ इंडियन बैंक पे माफ कीजिए आता हुआ दिख रहा है। जय कुछ ट्रेडिंग कॉल्स आप भी ऐड कर लीजिए, एफएनडो के शेयर्स भी होंगे तो भी चलेगा। देखिए
श्योर डिम्पीसी, फर्स्ट मेरा एक बाय रिकमेंडेशन है कॉन्कॉर पे। कॉन्कॉर पे अगर आप देखें तो क्लियरली एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुई है वीकली चार्ट्स पर। डेली चार्ट्स पर अगर मैं देखता हूँ तो क्लियरली एक एक्सपांडेड फ्लैट पैटर्न कंप्लीट हो चुकी है उसकी वेव फोर में। तो लगभग 1320-1340 तक के लेवल्स कॉन्कॉर में देखने मिल सकते हैं। ऑन द लोअर साइड 1144 एक बहुत ही अहम सपोर्ट है, तो विद दैट एज अ स्टॉप लॉस ये बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी। दूसरा रहेगा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जिसमें अगर आप देखो तो क्लियरली एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में से ब्रेकआउट देखने मिला है ये स्टॉक में। उसकी भी एक वेव फोर ऑन द लोअर साइड खत्म हो चुकी है। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये स्टॉक में काफी एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है, तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। साथ ही साथ मैं तो ये कहूंगा कि डिम्पी सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अच्छी लग रही है, मेड बी इंडिया बुल्स, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। तो लगभग आई थिंक फाइनेंशियल सेक्टर एज वेल एज यू नो कॉन्कॉर, इसमें एक बाय रिकमेंडेशन रहेगा मेरा। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग कॉल्स हैं जय की ओर से। अब देख लेते हैं कि आज का टुडेज ट्रेड कौन सा है, रुक कर लेते हैं इसी सेगमेंट का। डिम्पी से जान लेते हैं, बताइए डिम्पी। शुक्र दीपाली, देखिए एचपीएल पावर, इस पे आप ध्यान रखें, ये 50 रुपए के टारगेट के साथ इस कंपनी को आप बाय कर सकते हैं। और ये वैसे बैटरी से जुड़ी हुई कंपनी है और इसके पास एक अच्छा बिजनेस ये है कि ये सीधा पीयर तो नहीं एक्साइड और अमर राजा का, लेकिन अपने आप में यूएसपी इसी लगता है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सेलिंग इसकी काफ़ी अच्छी है अपने प्रोडक्ट की। 8-17 में डिलीवरी वॉल्यूम करीब 50% का है, फर्स्ट साइन है जो कि अच्छा साइन है। 3 हफ्तों की गिरावट के बाद अब मजबूती से पुल बैक दिखा रहा है, एक गुड साइन है कि आपके पास ये चला हुआ शेयर नहीं है। तीसरा, घाटे से मुनाफे में कंपनी लौट आई है और ये 27% के आसपास का इनका मुनाफा बढ़ा है। इसके अलावा अगर आप इसका बैटरी सेगमेंट में देखेंगे तो प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, म्यूचुअल फंड्स में भी यहाँ पे खरीदारी की है। आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि डीआईएस की तरफ से कहाँ पे बाइंग हो रही है, अब ये नोटिस होने लग गया है। ये 8.5% यहाँ पे भी बाय हुआ है, प्रमोटर के पास 74% का स्टेक है और कोई भी हिस्सा गिरवी नहीं है, लंबी अवधि का जो कर्ज है वो थोड़ा कम है इनके पास। तो सारी चीज़ें बेसिक तो ये दिखती हैं कि यहाँ पे ठीक है, इस पर एक ट्रेड लिया जा सकता है। 50 रुपये का टारगेट है, 4470 का एक स्टॉप लॉस होगा। तो एचबीएल पार आज का टुडे ट्रेड 50 के टारगेट सेट पोजीशंस आप बना सकते हैं, 44.7 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। जय, दो और स्टॉक्स पर आपके कमेंट चाहिए, दोनों के अर्निंग्स अच्छे आए हैं, एमएसपी स्टील और विवमेड लैब्स। अब नंबर्स तो अच्छे आए हैं दोनों कंपनियों के, लेकिन स्टॉक पर ट्रेडिंग व्यू क्या रहेगा आज के सेशन में? सी दीपाली, एमएसपी स्टील एक अच्छा बेस बना रहा है, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि एक राउंडिंग बॉटम भी ये स्टॉक में देखने मिल रही है। कुछ खास इसके पहले अपट्रेंड देखने मिला नहीं है, बट जो हिसाब से अभी ये स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम के साथ ही साथ उसके मोमेंटम इंडिकेटर्स में एक बाय क्रॉसओवर देखने मिला है, आई थिंक प्रोबेबिलिटी काफ़ी है कि हम लोअर साइड वो 13-13.5 के लेवल्स तोड़े नहीं और एक अच्छा पुल बैक हमें देखने मिल सकता है ये स्टॉक में लगभग 22-23 तक के लेवल्स तक। और विवमेड लैब्स में तो यू नो दीपाली पहले भी एक अच्छा मूव ये स्टॉक ने दिखाया है और अभी भी आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जब तक ये स्टॉक यू नो ऑन द लोअर साइड 95 के लेवल्स ब्रेक नहीं करता, अगेन इट कैन गो एन इंच टूवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 120 एंड 130।